पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन उसी देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी। उठो हसन बेटा। जल्दी चलो। हसन बेटा उठो, हसन उठो, हसन बेटा। हसन बेटा तुझे कुछ नहीं होगा। हसन आगे खोल ले। हसन तेरी मार हो रही है। हसन उठ जा। हसन बेटा उठ जा। हसन आप बाहर जाइए। बॉक्स लेकर आओ यार, जल्दी बॉक्स लेकर आओ, जल्दी से। बॉक्स एक्सपायर, आपको पैर डाल दीजिए प्लीज इन पे। हेलो सुच साहब, MLO बात कर रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, मर्डर केस है यहाँ पर। असम Hasan!
एक्सपायर हुआ कितनी देर हो गई है? जिस वक्त मैंने आपको कॉल किया वो एक्सपायर हो चुके थे, और चूँकि गोली गर्दन में लगी थी हमने बहुत कोशिश की लेकिन बचा नहीं सके। बाकी तफसीलात मैं आपको पोस्टमार्टम के बाद ही बता सकूँ। ठीक है, ओके। ये इनके अलावा है ना? ये वक्त तो नहीं है सवाल जवाब का, लेकिन चूँकि इंसानी जान की बात है इसलिए मेरी मजबूरी है। साहब, मेरे बेटे के कातिलों को पकड़ने साहब, इन जालिमों ने मेरे बच्चे को मार दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी, अब मैं क्या करूं? मुझे इस हादसे पे अफसोस है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये वाकया किस तरह पेश आया और क्या आप उन लोगों को पहचानते हैं? नहीं साहब, हम तो उन लोगों को जानते भी नहीं, कौन थे, कहाँ से आए थे, हम खाना खा रहे थे, फिर बेल बजी साहब, चार बंदे अंदर आए, उनके हाथ में पिस्टलें दी, मैंने वास्ते डाले खुदा के, मगर जालिमों को इतना ख्याल नहीं आया, जर और दौलत की खातिर पूरा खानदान उजाड़ दिया। आप सबर से काम लें, हौसला रखें, इंशाल्लाह आपके बच्चे कातिल पकड़े जाएंगे। बैठे आप बैठे। 25 जनवरी 2012 की शब अब्बास शहीद अस्पताल में एक जख्मी नौजवान को लाया गया जिसके सर में गोली लगी हुई थी। अस्पताल के एमएलओ ने फौरन पुलिस को इत्तला दी, ताहम पुलिस के पहुंचने से कबल ही जख्मी नौजवान दम तोड़ चुका था। मकतूल को उसकी बीवी और वालदेन अस्पताल लेके आए। मकतूल का नाम हसन मालूम हुआ। उसके वालिद ने रोते हुए पुलिस को बताया कि चार डाकू घर में दाखिल हुए और सामान लूटने के बाद हसन को गोली मारकर फरार हो गए। मकतूल हसन सुजानी टाउन सेक्टर 4B का रहायशी था। पुलिस का ख्याल था कि ये सीधा साधा डकैती का केस है जिसमें मजामत पर नौजवान हसन को गोली मार दी गई थी, लिहाजा पुलिस ने तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करते हुए पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी थी। इस तरह तकरीबन 3 माह गुजर जाने के बावजूद दीगर वारदातों की तरह किसी नामालूम कातिल की तलाश में ये भी वारदात कहीं गुम हो चुकी थी। क्या अचानक इस केस के आईओ को इतला मिली के? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। और साजन कैसा है? बैठ। इसके लिए जरा एक बोतल भेजो। जी सर। अब बता क्या खबर है? एक डकैत ग्रुप है साहब जो अपने यार को बड़ा तंग कर रहे हैं। क्यों? तेरे दोस्त को क्यों तंग कर रहे हैं? बस गलती इंसान से हो ही जाती है, उससे भी अब गलती हो गई है साहब। खबर तो पक्की है ना, कहीं छोड़ तो नहीं रहा तू? अरे साहब, डकैती के माल पे फूट पड़ गई है आपस में ही, लेकिन साहब मेरे दोस्त के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अच्छा बता क्या बात है? एक महीने की मोहलत दे रहा हूँ तुझे, हमें हमारी रकम दे देना। अबे भाई क्या बात है शेरा, ये शोर शराबा। अबे बस यार क्या बताऊँ, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मसला बता, मसला क्या है बस? अबे यार बस अब तुझसे क्या छुपाना। ये मिलेगा कहाँ? वो रोजाना माल सप्लाई करने निकलता है, लेकिन 11 बजे के टाइम पे वो FB एरिया में नजर आता है। तो वो दुकान जानता है? बेफिक्र है सर। ठीक है साजन, तू ऐसा कर। पुलिस के मुताबिक मुखबरे खास ने इत्तला दी कि जिस डकैत ग्रुप ने ये डकैती की वारदात की थी उसका एक मेंबर शिराज नामी लड़का है जो आजकल सप्लाई का काम करता है। कैसे हो मेरे भाई? वालेकुम सलाम, अल्लाह शुक्र है। और पापड़ पापड़ हैं ले आऊं? जी जी पापड़ जाएंगे। कौन से आपके पास? पुलिस ने थोड़ी सी छानबीन के बाद कार्रवाई करते हुए शिराज को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा यहाँ शिराज नामी लड़का जो सेल्समैन है पापड़ वगैरह बेचता है बाइक पे? नहीं ऐसा कोई नहीं।
कंफर्म यहाँ नहीं आता? बिल्कुल कंफर्म। चले शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास शिराज नामी सेल्समैन तो नहीं आता जो बाइक पे पापड़ वगैरह बेचता है? हाँ आता तो है, क्यों खैरियत? हाँ खैरियत ही है, दरअसल हम पुलिस से हैं। अच्छा, हमारे बारे में उसे बताइएगा ना। ठीक। वो देखो कहीं से बच के ना जाने पाए। जी सर।